जायजा लेने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे स्ट्रांग रूम पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बता दें बेमेतरा जिले में 732 बूथ बनाए गए थे जिसमें ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम पहुंचकर सीसीटीवी के फुटेज भी देखे हैं। बता दें स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 70 सीआरपीएफ जवानों की तैनाती भी की गई है। यहां पर अभी सुरक्षा व्यवस्था तीन लेयर में है। पहला लेयर जो है उसमें ईवीएम जहां स्ट्रांग रूम है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और बीएसएफ के यहां पर जवान है, 77 जवान जो है यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरे लेयर में और तीसरे लेयर में भी जो है बीएसएफ के। खबर बैतूल से है जहां गरीबों को 5